फाइनली अब टाइम आ चुका है निकलने का, 9 बज गए हैं, मेरे को निकलना था 8:30 बजे तक, थोड़ा सा आधा घंटा लग गया पैकिंग में, पैकिंग क्या थोड़ा लगेज बांधने में टाइम लग गया, उसके बाद नाश्ता वगैरह कर लिया, अब हम निकलते हैं। यहाँ से मेरे को कम से कम 6 से 7 घंटे अभी लगेंगे, फ्यूलिंग कराएंगे नीचे से और टायर प्रेशर हमने चेक कर लिया, सब चीज़ ओके है, बस निकलते हैं। ठीक है विशाल भाई, ये हैं विशाल भाई, और विशाल भाई के साथ अपनी अच्छी दोस्ती हो चुकी है भाई, बार बार आते रहिए, बहुत ध्यान रखा इन्होंने मेरा, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा। अगर टाइम होता ना तो एक आधा दिन और रुकता, मगर मेरे को आगे जाना है, वापसी वापस आते हुए मैं देखता हूँ, अगर मेरा श्रीनगर से ना जाके मैं इधर से आया ना तो आपसे दोबारा मिल के जाऊंगा, है फिर एक बाइक राइड पे चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बहुत बहुत थैंक यू सर, और सुरेश भाई को भी थैंक यू बोलना मेरी तरफ से, बिल्कुल सर, ठीक है जी, ओके मैं निकलता हूँ, थैंक यू, बाय सर, बाय बाय। तो बाइक अपनी ऑलमोस्ट रेडी है, लगेज बन गया, हेलमेट क्लीनिंग हो गई, ब्लूटूथ अपनी प्लेस पे है, फुल चार्ज है, तो इसको करते हैं थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट, क्योंकि रात को ठंड ज़्यादा थी। 1 सेल स्टार्ट होती है भाई यहाँ पे, यहाँ पे तो इतनी बर्फ़ में थी तब भी ये 1 सेल्फ में स्टार्ट हुई थी, लास्ट ईयर नहीं, इस जनवरी की बात है। इस प्रॉपर्टी से व्यू इतना अच्छा आता है, तो होटल आयरलैंड और सुरेश भाई का नंबर और सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको अगर यहाँ पे आना है और बेस्ट व्यू देखना है तो आप कंसीडर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है इनकी हॉस्पिटैलिटी, आपको व्यू अच्छे मिल जाएंगे, आपको होटल अच्छे मिल जाएंगे, आपको होम स्टे, मगर जो एक आपका सर्विस भी नहीं बोलूँगा मैं उसको, सर्विस वर्ड भी बहुत छोटा है, एक जो अपनापन होता है ना वो मिलेगा आपको यहाँ पर। जा रहे हो कहाँ? अच्छा, सारे जितने भी अपने भाई हैं यहाँ पे, सुरेश भाई और विकास भाई और बाकी जितने भी लड़के हैं, सब अपने गहरे दोस्त बन चुके हैं, तो हम तो यहाँ पे ऐसे आते हैं कि जैसे ये हमारा सेकंड होम है। बस अब चलते हैं यहाँ से जल्दी से, क्योंकि लेट हो जाऊँगा वरना, अब से सीधा बाइक में मिलता हूँ, फ्यूल अप करा लेते हैं यहाँ से, फुल कर दो भाई, फुल फुल, एक नंबर पे लगाना, फ्यूल अप अपना हो गया बाइक का और ऑल सेट टू गो, वी आर लीविंग मनाली। मनाली से थोड़ा सा आगे निकल चुका हूँ मैं, भीड़ थी थोड़ी सी वहाँ पे क्योंकि टूरिस्ट वगैरह काफ़ी आए हुए हैं, और अब हम चल रहे हैं अटल टनल की तरफ, अटल टनल क्रॉस करके बाकी उसके बाद जो नज़ारे शुरू होंगे वो अलग ही लेवल के होते हैं, वो आपको पता ही है। अब तो मैं भूल ही जाऊंगा शायद आने वाले टाइम में कि टनल कितनी बार क्रॉस कर चुका हूं। टनल में लगने वाली है ठंड। सर 40 की स्पीड लिमिट है, 20 की नहीं है, 40 तो कर लो कम से कम यार, कई बार ना आप यहाँ पे एकदम मजबूर हो जाते हो जब आगे वाली गाड़ी बिल्कुल ही 40 से भी कम हो जाती है। इधर सारी जो जनता वगैरह इकट्ठी होती थी आई थिंक वो बंद कर दिया है, तभी इधर कोई नहीं है, आपको अगर फ़ोटो वगैरह खिंचवानी है तो आप वहाँ पे खड़े हो जहाँ पे टनल ख़त्म होता है, वरना यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है, पूरा रास्ता रहता है जाने का। सिसु बहुत ही सुंदर और ग्रीनरी यहाँ पे है, और देख लो यार अपने आप ही, क्या ही बोलूँ मैं, क्या नज़ारा है। ये वाइन शॉप पे संजू बाबा की फ़ोटो बनी होती है, इनकी स्माइल, हाय हाय क्या स्माइल देते अलग ही स्माइल है बाबा की। ठंडी आ गया और यहाँ से फ्यूल अप करा लेंगे एक पॉइंट, क्योंकि कम हो चुका है, इस रास्ते में जितना भी पेट्रोल आप ले सकें वो सही रहता है, टॉप अप कराते चलिए। इधर हो जाते हैं, इधर से ट्रक आ रहा है, इधर से थोड़ी सी जगह है, तो ये पहुंच गया हूँ मैं केलोंग। आज ट्रैफिक देख रहे हो, सब निकले हैं लगता है, मगर आज धूप निकल गई ये चीज़ अच्छी रही, वरना मैं कल सोच रहा था कि अगर धूप नहीं निकली तो क्या होगा, मगर वेदर फोरकास्ट मैंने चेक कर लिया था तो लिखा था कि सुबह का सनराइज़ है,
ये आ गया दारचा का जो ब्रिज है, उसके बाद चेक पोस्ट आएगा। मैं क्रॉस कर चुका हूँ चेक पोस्ट। लास्ट टाइम वहाँ पे आधार कार्ड हमारे सबमिट करा लेते थे क्योंकि सारा रास्ता बंद था, बारा लाचला वाला भी, तो इसलिए दीपक ताल तक वो जाने दे रहे थे। आज कुछ भी नहीं रखवाया है, इसका मतलब सब आगे क्लियर है, खुला है। तो अभी हम सीधा चल रहे हैं, यहाँ से थोड़ा आगे जाके दो रास्ते कट जाएंगे, मैं आपको दिखाऊँगा कहाँ पर, और वहाँ से हमारा रास्ता जो है संस्कार के लिए निकल जाएगा अलग से। इस कट की बात कर रहा था मैं, सीधा जाता है शिंकुला, और ये जो आप ऊपर चढ़ जाते हैं, जो बस जा रही है जहाँ पे, ये रास्ता जाएगा आपका ले बारा लाचला होते हुए। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे सीधा, ठीक है जी। अब शिंकुला है 39, पादुम इज 143, चीका 10, जनकार सुमदो 17। शिंकुला रोड आ गई है, अब इस पर चलना है हमको थोड़े टाइम तक, अब आएगा असली मज़ा थोड़ी देर बाद। थोड़ा सा दूर है अभी शिंकुला यहाँ से, और मैं सोच रहा हूँ एक चाय पी लेता हूँ तो थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। कुछ नहीं है यहाँ पे दूर दूर तक, और एक ये दिखा है मेरे को, देखते हैं कुछ है इसके पास या नहीं। अंदर भी है क्या? चाय मिल जाएगी? अच्छा, एक चाय दे दीजिए, एक चाय। सिचुएशन कभी बहुत ज़्यादा वर्स हो जाए तो आप यहाँ पे रेस्ट ले सकते हैं, जगह जगह पे आपको ये इस एरिया में, और जो बारा लाचला वाला एरिया उसमें भी ऐसे छोटी छोटी जगह मिल जाएंगी। पत्थर का होता है तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती अंदर, देखो अंदर एकदम गर्म है, बाहर एकदम ठंडा है। चाय आ चुकी है और अब थोड़ा सही लग रहा है चाय पी के। आप लोग चीनी ज़्यादा पीते हो क्या चाय में? चाय में चीनी हाँ थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। मैंने सोचा थोड़ा ऊपर तो जाने से पहले चाय वगैरह पी के चलते हैं तो थोड़ा ठीक रहेगा। नेटवर्क यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, ना जियो पोस्टपेड आ रहा है, ना एयरटेल पोस्टपेड आ रहा है, और वोडाफोन तो बहुत देर पहले ही डेड हो चुका था। काफ़ी जगह पे आइस की क्लीनिंग हो चुकी है, क्योंकि इस जगह पे आइस थी पहले, मेरे को अच्छी तरह याद है। तो देखो क्लीनिंग अभी भी चल रही है। और यहाँ पे ये नीचे जो है ये एरिया स्लिपरी है, सारा स्लश है। आप ब्लैक आइस तो नहीं लग रही मेरे को, मगर स्लश ज़रूर है आगे, मगर ब्लैक आइस मिल सकती है बीच में। हाँ आगे है ब्लैक आइस, यहाँ पे है ब्लैक आइस। तो वाइज़र मैंने खोल के रखा हुआ है तभी, क्योंकि इधर ऑफ रोड वगैरह है थोड़ा, तो इसमें थोड़ा सा ब्रीदिंग का हो जाता है। थैंक यू। बाकी हम किसी चीज़ में जल्दी नहीं कर रहे हैं, आराम आराम से चल रहे हैं, अपना पेशेंस इज़ द की। यहाँ पे ज़्यादा जल्दी नहीं दिखानी है, ना ज़्यादा गामा बनना है, हीरो बनना है, कुछ नहीं, आराम से चलो। कि जहाँ आपने होशियारी दिखाई, यहाँ पे ब्लैक आइस है, बड़ी गंदी वाली है। देखो ये, देखो ये ब्लैक आइस पड़ी, और पूरा ये रास्ता ऐसा ही है। तो मेरे को बहुत धीरे धीरे निकलना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं ज़्यादा क्या कर रहा हूँ, मैं पानी पकड़ रहा हूँ यहाँ से ब्लैक आइस को छोड़ के। ब्लैक आइस पे तो वैसे जाना रेकमेंडेड नहीं रहता कभी भी, यहाँ पे आइस है मगर बीच में पत्थर भी हैं तो थोड़ा सा चल सकते हैं। टायर मेरे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है अच्छा। ऐसी जगह में पानी पकड़ लीजिए सही है, फिर भी ओहो आगे बुरी हालत है भैया। कोई बात नहीं, करना तो है ही।
धीरे धीरे चलते हैं हम लोग, जो होगा देखा जाएगा भाई। यहाँ पे भी आइस है, देखो यहाँ पे टायर हल्का सा स्किट हो रहा है, ये बाइक का, बाइक की दिशा अपने आप मुड़ गई यहाँ पे, सारा ब्लैक आइस पड़ा है भाई यहाँ पे, थोड़ा सा ही पैच है, पिछले वाला पहिया जो है वो थोड़ा सा स्किट हो रहा है, साइड में जा रहा है, मगर धीरे धीरे चलिए कोई बात नहीं। जहाँ यहाँ पे तेज़ी दिखाई काम हो गया, ये बीच का पकड़ रखा है मैंने, बीच में हल्का हल्का पानी भी है, बस हो गया, हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया, हो। शिंकुला पास यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर भी नहीं है, और पीछे मैं रुका हूँ क्योंकि आगे पूरी क्लीनिंग चल रही है, देखिए सारी रोड पे आइस है और ये क्लीन होगी तभी मैं आगे जा पाऊँगा। तो ये सारी आइस नीचे देखो, ये एकदम फ्रेश स्नो है जो मेरे ख्याल से कल या परसों में पड़ी है। ग्रीन सिग्नल दिया है इसने मेरे को चलने के लिए, बाकी देखते हैं आगे चल के क्या सिचुएशन है, क्योंकि बीच में तो सारी ब्लैक आइस ही पड़ी है, उसी पे से जाना पड़ेगा मेरे को, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। इसका जो निशान है इसी को पकड़ पकड़ के चल रहा हूँ, बस गिरूंगा तो उठा लेना, अगर गिर गया तो उठा लेना। किधर से ये पकड़ के जाऊं बीच वाला? हाँ ये वाला पूरा ब्लैक ही है भाई, ये तो पूरा ब्लैक आइस है, देखो थोड़ा सा यहाँ पे बेटर है, मगर कुल मिला के सिचुएशन कंट्रोल में है भी और नहीं भी है। इधर थोड़ा सा निकले ऊपर वाले, तेरा लख लख शुक्र। मैंने तो इसको पूछ दिया कि भाई अगर गिरूंगा तो उठा लेना। मेरे को अभी तक यहाँ पे एक भी बाइकर नहीं दिखा, आई थिंक सारे लद्दाख वाले रास्ते पे निकल गए उधर से, बारह लाचला से होके। मेरे को मंजिल अपनी दिख रही है यहाँ से, यस यस यस, और जैसे जैसे मैं मंजिल के पास पहुँच रहा हूँ गूज़बम्स आ रहे हैं, गूज़बम्स अंदर से ऐसा हो रहा है, क्योंकि यार देखो आप किसी चीज़ का ट्राई करते हो यू फेल, बट आपने उसमें एफर्ट डाला है, सेकंड टाइम थर्ड टाइम आप जब करते हो यू गेट दैट करेज, वो करेज आप इकट्ठा करके आए हो। एंड यस मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, हम पहुंच गए हैं शिंकुला पास, ईस्ट और वेस्ट ब्रो इज द बेस्ट, आई मीन टू से BRO। सो शिंकुला 5045 meters, साडा आगे सबसे आगे, दिस इज शिंकुला पास
प्रोजेक्ट योजक वेलकम्स एट शिंकुला पास. अल्टीट्यूड इज 16,580 फीट. तो भाइयों, आई एम एट शिंकुला पास एंड मेरे को पता है ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, बट आई एम फीलिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ. और ये कौशिक भाई और गौरव, डेडिकेटेड टू यू. फिर से आएंगे और इस बार साथ आएंगे और इसको दोबारा से करेंगे. उस दिन करते तो अलग ही मज़ा आता. और आँखों में थोड़ी सी नमी आ गई है मेरे, और ये खुशी की नमी है. आप पीछे देख सकते हैं, पूरा बर्फ ही बर्फ है यार, पूरा आइस पड़ा है. एंड दिस सिचुएशन इज फिनोमिनल. इस सिचुएशन को मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्ड्स में. यहाँ खड़ी अपनी बाइक, भाई बहुत साथ दिया है. बाइक को यहाँ पे अपने मोमेंटम से जाने दीजिए. यहाँ पे कोई छेड़ाखानी नहीं करनी थ्रॉटल से, आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है. इंजन ब्रेकिंग पे मेरी बाइक चल रही है अभी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी लेनी पड़ती है मेरे को तो मैं रियर ब्रेक लेता हूँ, फेदरिंग होती है ब्रेक से, बस ज़्यादा कुछ नहीं. देखिए यहाँ पे बाइक अपने मोमेंटम से जा रही है, बस मैं बिल्कुल भी थ्रॉटल नहीं दे रहा हूँ बाइक को. 20 की स्पीड पर बाइक चल रही है सेकेंड गियर में. आराम से अपने आप जाने दीजिए, निकल जाएगा ना. क्या हो गया, ख़राब हो गया क्या? क्या हो गया? बेल्ट निकल जाएगा धीरे धीरे. बेल्ट में कोई दिक्कत आ गई. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू. भैया थोड़ी तो जगह छोड़ो, कोई है नहीं क्या गाड़ी में? तो फाइनली हम पहुंच गए गोम्बोरंजन. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट इन द राइट वे. और ये है सामने, और इसकी पूजा भी होती है, बहुत लोग इसको मानते भी हैं. तो भाई हमारी भी मनोकामना पूरी करना, जो भी हमारे मन से अभी निकल रही होगी, ऐसे बताएंगे नहीं मगर आप समझ जाओ. यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है, और तेज़ के साथ साथ हवा ठंडी बहुत है. और ये वाला टेंट हमने ले लिया है, और अभी लाइट वगैरह का सेटअप हो रहा है क्योंकि अभी न्यूली सेटअप है, बिल्कुल कल ही सेटअप करे हैं इन्होंने. इससे पहले यहाँ पे एक ही कैंप साइट थी, वो थी उधर, मगर वो कैंप थोड़े से छोटे हैं, थोड़ी सी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है यहाँ पे. आप ज़्यादा तेज़ बोलना की कोशिश करोगे तो थोड़ी सी आपको ब्रीदिंग का इशू आएगा, जैसे कि मेरे को आ रहा है अभी, मगर ठीक है, आराम आराम से बोलिए, ठीक है. तो कुल मिला के आज की राइड बहुत एडवेंचरस रही. ब्लैक आइस, ऑफ रोड, जो कुछ भी वर्स हो सकता था वो था, मगर हमने अच्छे तरीके से काम रह के ठंडे दिमाग से राइड को हैंडल करा, और बाइक ने बहुत साथ दिया है हमारा. अमेजिंग रिस्पांस आया इंटरसेप्टर से. लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं इंटरसेप्टर को. बाकी लोकेशन बहुत अच्छी है जहाँ पे मैं रुका हूँ, ये है गोम्बोरंजन. पीछे आपको दिख रहा होगा गोम्बोरंजन, ये है गोम्बोरंजन, और इसको इसकी पूजा भी होती है, और काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है इसकी. जानेंगे थोड़ा सा भैया से जहाँ पे रुके हैं. बाकी व्लॉग आज का कैसा था, आई होप सबको पसंद आया होगा. मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादातर व्लॉग रॉ हो, ताकि आप लोगों को पता लग पाए कि असलियत में क्या होता है राइड में. तो कल शुरू करेंगे नया व्लॉग, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं. थक गया हूँ काफ़ी, थोड़ा आराम करते हैं.
और आप लोग सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।